यादव जी यहाँ पर उपस्थित है, सोनल बेन पटेल हमारा भाग्य है कि ऐसी सेक्रेटरी हमारे यहाँ पर कैंडिडेट के बाद साथ आई है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में हमारे राजपत यादव जी यहाँ पर उपस्थित है, मंच पे हमारे दिलीप पंडित जी सीनियर लीडर, कक्षा दुबे जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है, उमेश भाटिया जी मुंबई के अध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष रश्मि मिस्त्री जी, प्रमोद लोकड़े जी हमारे एससीसीएल के जिला अध्यक्ष निवृत्ति निकम, मनोज नायर जी तालुका अध्यक्ष। और नेता वाला विचार भी है, बात बहुत बड़ी बात कही उन्होंने उर्मिला जी, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। आज के इस कार्यक्रम में बहुत जल्दी मुंबई कांग्रेस के नए अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा जी भी आ रहे हैं, समय कम है, जल्दी जल्दी सारा काम होना चाहिए। जब तक मिलिंद जी आते हैं तब तक मैं अपनी बात रखता हूँ, शुरू कर दिया जाए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी सोनल पटेल मैडम आई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। जिला अध्यक्ष महोदय बैठे हैं सुत्राले जी, असलम भाई खास मलाड से चल के आए हैं, इनको कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कराने के लिए थोड़ा साइड हो जाओ, पीछे से पुत्र दो लाल जी जरा अंदर हो जाओ। उर्मिला जी ने बहुत अच्छी बात कही, किसी परिधान से नहीं विचारों से भी वो नेता है। बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, उनको पता भी नहीं है कि क्या है पॉलिटिक्स, विचार क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, समाजवाद क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, पता भी नहीं होता। बड़े बड़े फिल्म वालों को मैं जानता हूं, किसी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाइए तो बोलते मुझे क्या बोलना लिख के दीजिए, लेकिन जब राहुल जी से मिलने के बाद उर्मिला जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में पक्ष प्रवेश के लिए आई तो वहां पर मैं था, मिलिंद थे, असलम भाई थे, भूषण भाई थे और रणदीप सुरजेवाला जी ने इंट्रोड्यूस किया और मुझसे पूछे कि इनको क्या बोलना है, आपने बता दिया है। मैंने कहा आप जो बोल रहे हैं आपसे अच्छा, आपसे ज्यादा बढ़िया बोल देंगी ये। तो क्यों बड़ा एकदम वैचारिक तौर पर बहुत ट्रेंड है, बहुत समझदार है। इनके पिताजी बैंक में नौकरी करते थे और समाजवादी विचारों से, सेकुलरिज्म के विचारों से ओत प्रोत थे। पिताजी में जो विचार थे, पिताजी के पास जो विचार थे, उन्हीं विचारों का असर उर्मिला माथोनकर जी के ऊपर है। और जब उन्हें प्रेस को एड्रेस किया तो जो बातें हम नहीं बोल पाए थे, या अच्छे अच्छे नेता लोग जो बातें बोलने से पहले घबराते हैं, वो सारी बातें पूरी साफगोई के साथ उर्मिला माथोनकर ने पूरे हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया के समक्ष रखा है। इसलिए इस बात का मुझे फक्र है कि बहुत दिनों बाद मैं कह सकता हूं सुनील दत्त जी के बाद, या आई मीन इट, आइए सुनील जी, सुनील दत्त जी के बाद एक फिल्म स्टार इंडियन पॉलिटिक्स में उतरा है जो वैचारिक तौर पर भी एक गहराई रखता है, जिसको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, संविधान क्या है, कायदा क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी क्या है, और जो वर्तमान शासन चल रहा है उस शासन को चलाने वाले लोगों ने कैसे हिंदुस्तान में एक नफरत का माहौल खड़ा कर दिया है, कि इनको पता है। जब मैंने पहली बार इनको अप्रोच किया, इनके संपर्क में आया, मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे उत्तर मुंबई को बीजेपी के हाथ से छीनना है और अपने से बेहतर उम्मीदवार की तलाश में हूं मैं, और जब मैंने इनसे गुजारिश की कि आप आइए उत्तर मुंबई से लड़िए, उन्होंने एक बात कही कि मुझे अभी लड़ने में मुझे नहीं लगता इतना जल्दी मैं डिसीजन ले पाऊंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना चाहती हूं क्योंकि वैचारिक तौर पर कांग्रेस की विचारधारा में मेरा विश्वास है। जितना हम सोचते समझते हैं उससे ज्यादा साफगोई के साथ, कट्टरता के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी थी। लेकिन मेरा जरा आगे जो लोग खड़े हैं बैठ जाओ, अपने कार्यकर्ता लोग अपने का जरा पीछे से पीछे, बाकी
लोग बैठ जाइए, जिसको जिसको एकदम सामने रहना बैठ जाओ, सामने से देखना बैठ जाओ, आप भी पीछे आ जाओ, आप भी पीछे आ जाओ, मैं पीछे आ जाओ, उधर पीछे बैठ के नीचे बैठ जाओ, अरे गफूर सब लोग बैठाओ, उधर नीचे बैठ जाओ। एक ऐसी उम्मीदवार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने आप लोगों के समक्ष पेश किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उर्मिला मातोंडकर के आने से उत्तर मुंबई में टेबल पलट गया है और जो मान्यवर सोच रहे थे कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं है उनकी हालत खराब है। आइए, मिलिंद मिलिंद देवड़ा जी पधार चुके हैं, कम ऐसे होते हैं, ऐसा उम्मीदवार आपके सामने दिया है। बीजेपी के गोपाल शेट्टी को अब तक लग रहा था कि रास्ता आसान है, लेकिन अब रास्ता बहुत कठिन है, ऐसा मैं उनके सामने बोरीवली में ऑफिस के सामने घोषणा कर रहा हूं। किसी ने फोन करके उर्मिला को बताया कि ये कांग्रेस वाले तुमको बकरा बना रहे हैं। मैं उर्मिला को बता देता हूं कि आप नहीं बकरा बनेंगी, बीजेपी वाले आप बकरा बनेंगे आपके यहां से आने के बाद। मैं सिर्फ मजाक नहीं, किसी आपको चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एरिया से कनेक्टेड हूं, लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि संजय जी बहुत बढ़िया उम्मीदवार दिया आपने, बीजेपी हार सकती है। मैं बता रहा हूं बीजेपी यहां पे हारेगी तो हारेगी, बोलो हारेगी कि नहीं बीजेपी। और इसलिए आज से उत्तर मुंबई के कार्यकर्ताओं के समक्ष और उत्तर मुंबई के समक्ष कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव 2019 के उम्मीदवार के तौर पर उर्मिला मातोंडकर को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आज से जो यात्रा शुरू हुई है 29 अप्रैल तक रुकनी नहीं चाहिए, रोज आज के बाद से रोज उत्तर मुंबई में रहेगी। कितने घंटे देती है इनके ऊपर है, लेकिन डेली आपका प्रोग्राम प्लान हो चुका है, कल का है, परसों का है, एवरीडे हम लोगों ने प्लान कर दिया है। सब लोग उर्मिला जी के लिए पूरे मन से पूरी शिद्दत से काम करिए, छोटे मोटी शिकायतों में मत पड़िए। बहुत अच्छा उम्मीदवार मिली है आपको, इस उम्मीदवार के प्रचार प्रसार के लिए घर घर जाना, गली गली में घूमना, बिल्डिंगों में जाना, और लोग बोलेंगे कि आप फिल्म स्टार दिए, हाँ ऐसा फिल्म स्टार दिए जिसके पास एक विचार भी है। और इस तरह से प्रचार करिए, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि उत्तर मुंबई के कार्यकर्ताओं का जो हौसला टूटा पड़ा था, अचानक वह हौसला बुलंद होगा और आपका अगला खासदार मतलब उर्मिला मातोंडकर होगी, ऐसी मुझे अभी आपके सामने घोषणा है। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि क्या मिलिंद आप बोलेंगे, पहले मिलिंद जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द रखें और बतौर अध्यक्ष ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी को